हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो एक नंबर की होगी भाई। क्या एक इसका टॉपिक क्या होगा? आज मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में खड़ा हूँ, अरोमा की साइड है। यहाँ पे ना आज पूछेंगे, हमारे चैनल का जो टॉपिक है डॉग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड है, तो आज मैं पब्लिक रिएक्शन लेंगे, उसमें पूछेंगे चंडीगढ़ के लोगों से कि उनको कौन सा डॉग पसंद है, कौन सी ब्रीड पसंद है, और उनकी ना सोच देखेंगे कि कौन सी ब्रीड के हिसाब से कैसी सोच है। What's your name? सुकून। सुकून and yours? हरमीत। और इसका? जोई। तो मैम, मेरा YouTube चैनल है रचित पंगाल के नाम से, और मैं डॉग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ। तो आज मैं आया हूँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ लोगों से कि आपको कौन सी ब्रीड पसंद है, कौन सी मतलब कि प्रेफरेंस कौन सी है, और उनको नॉलेज है भी या नहीं है उस ब्रीड के बारे में। okay. क्योंकि लोग ले तो लेते हैं पर उनको नॉलेज नहीं होती। तो ये आपका डॉग है ये? हाँ जी। कौन सी ब्रीड है? बीगल ब्रीड है। तो इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है? हमें ये नॉलेज है कि बहुत ज़्यादा नॉटी है और ये बहुत एक्टिव है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसमें, और बस यही। हाँ चलो, मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, ये हंटर डॉग ब्रीड है। हाँ, ये पहले हंटिंग के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, और हंटिंग का मतलब ये नहीं कि किसी पिक को जाके ये मारते थे, नहीं। जैसे जो हाँ ये जो अपने हंटर्स होते हैं जो शूट करते थे किसी भी छोटे जानवर को, ये उसको जाके ढूंढ के लेके आते थे, वो इसको स्निफ करा देते हैं बीगल्स को। सो ये उनको स्निफ करा देते हैं जैसे हेयर को, और फिर ये इनको छोड़ देते हैं, तो जहाँ पे भी हेयर होता है उसको पीछे जाके देन दे लुक फॉर दैट हेयर। यस। और भाई बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, देखो आपको पता ही है कितने क्यूट डॉग ब्रीड है ये। और मैम, इसके अलावा और कोई पसंद हो आपको? गोल्डन रिट्रीवर। आपको मैम? पोमेरियन। पोमेरियन में भी एक बात होती है, पता क्या, पोमेरियन अपने जो इंडियन स्पिट्स होते हैं ना उनको लोग पोमेरियन कह देते हैं, जो टॉय पोम है वो अपने आप इतने ज्यादा कॉमन है नहीं। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं अपने थोर के बारे में। मेरे डॉग का नाम है मैम थोर, और आपको रॉटवाइलर ब्रीड गया वो, और उसके बारे में, रॉटवाइलर के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या परसेप्शन है, कैसा है कुछ? सोच, लोगों को वो बहुत अग्रेसिव डॉग लगता है, बट मुझे वो नहीं लगता। इट्स आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट डॉग्स, एंड आई थिंक दे वेरी, अगर उनको ठीक से रखा जाए और टेम करा जाए, सो दे फाइन, दे वेरी लवेबल एंड एवरीथिंग, एंड आई रियली लाइक द रॉटवाइलर्स जिनकी टेल ना कट करी हो। मेरे वाले की नहीं है कट तो आप जरूर देखना। तो यही मेरे चैनल का भी मेन मोटिव यही है मैम कि मतलब रॉटवाइलर जैसे 2014 में बैन हो गए थे इंडिया से, तो मेरा मोटिव ये था कि आप एक पर्टिकुलर डॉग की वजह से पूरी ब्रीड को बैन मत करो। और ये सच्चाई है, बिकॉज कई लोग हैं वो उनको बांध के रखते हैं सारा टाइम, उनको लॉक करके रखते हैं, तो डॉग का टेम्परमेंट खराब हो जाता है। इट्स नॉट कि वो ब्रीड ही सारी खराब है, जस्ट कि किसी पर्टिकुलर डॉग का टेम्परमेंट खराब होता है। सोशलाइजेशन करना पड़ता है आपको, कोई भी डॉग ब्रीड ट्रेन करना पड़ता है, सोशलाइज करवाना पड़ता है। ओके थैंक यू मैम, बस एक और है कि आप मेरे थोर को जरूर देखना मेरी वीडियोस में, रचित पंगाल, ठीक है? ओके थैंक यू मैम, बाय। क्या नाम है मैम आपका? मनीषा। मनीषा, और इस छोटू का? मफिन। ये कितने मंथ्स का? 4 months। और विच ब्रीड? टॉय पॉम। तो मैम मेरे पास भी रॉटवाइलर है, तो जस्ट मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं पूछ रहा हूँ जो अपने जैसे चंडीगढ़ में लोग डॉग्स रख रहे हैं, तो उनको उस ब्रीड के बारे में नॉलेज है या नहीं है, जस्ट पर्टिकुलर नॉर्मल क्वेश्चन। तो आपको इस ब्रीड के बारे में क्या नॉलेज है, मतलब कुछ इसके खूबियां कमियां वगैरह? मुझे थोड़ा सा नॉटी नटखट सा एक टॉय पॉम चाहिए था, टॉय चाहिए था। एक्चुअली माय फादर, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स, सो ही यूज्ड टू हैव पोमेरियंस विद हिम, ऑलमोस्ट 5 पोमेरियंस, एंड आफ्टर माय मम्मास डेथ, सो ही वाज आफ्टर मी कि मुझे एक डॉग ला के दो। सो हमने थोड़ा सर्च किया ऑनलाइन, देखा, एंड ही लाइक्ड दिस ब्रीड, सो वी वेंट फॉर दिस। ओके ओके। एंड माय सन हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस, ठीक है, वो नेट पे सर्च करता रहता है, देखता रहता है, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग अ डॉग, बट माय पेरेंट्स दे यूज्ड टू कीप डॉग्स। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? लवली, आई एम लविंग इट। एक फैमिली मेंबर, नया फैमिली मेंबर, पूरा मोर देन अ फैमिली, आई मीन घर पे ही इज एवरीथिंग नाउ, ही इज किंग एट द हाउस, ठीक है, सब सारा कुछ। आपका एक और बच्चा? एक और बच्चा, बिल्कुल, नाउ आई हैव 3 sons। हां, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है उनको पता है मेरी मदर, मेरे मतलब रॉटवाइलर है मेरे पे, और 3 जर्मन शेफर्ड्स भी है, तो वो मेरे से ज्यादा उनको प्यार करने लग गए। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब हम लोग जब कभी कहीं जाते हैं तो आई ऑलवेज स्किप
कि मुझे नहीं जाना है बिकॉज फिर मफिन को कौन देखेगा. सो दिस इज हैपनिंग एक्चुअली बेसिकली. अब तो इसकी वैक्सीनेशन भी हो गई, एवरीथिंग इज डन, क्योंकि 4 मंथ का हो गया. यस, तो बहुत प्यारा है ये. हाँ मफिन, से हाय. हेलो हेलो. बहुत प्यारा डॉग है. आपको डॉग्स पसंद है? हाँ, पसंद है. आप लोगों के पास है डॉग्स घर पे? घर पे हाँ है. कौन सी ब्रीड आपके पास? कौन सी मिक्स ब्रीड है. ओके, आपके पास है? नहीं, मतलब ऐसी है स्ट्रीट. ठीक है, पसंद आपको है? आपके पास है? नहीं है, बट आई लाइक द डॉग. आपको थोड़ी बहुत वगैरह मतलब नॉलेज वगैरह है कौन सी ब्रीड्स होती है, या आप लोगों को कौन सी प्रेफरेंस है? आप अगर आप ले तो कौन सी लोगे आगे? अकॉर्डिंग टू मी कि सभी डॉग बहुत अच्छे होते हैं, और बेस्ट प्रेफरेंस तो हम ये देखते हैं कि जो इको फ्रेंडली हो और बच्चे को भी खेले उसके साथ. जैसे लेब्रा है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है अकॉर्डिंग टू मी, और देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट होता है. एंड हस्की जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक तो इको फ्रेंडली भी है और बहुत ज़्यादा ब्रेव भी होता है. और जब कोई घर पर आता है तो बेस्ट पार्ट ये है कि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. और से बहुत से ब्रीड्स हैं जो अच्छे हैं. डॉग तो वैसे बहुत अच्छे, ह्यूमन बीइंग से बेस्ट जो एनिमल है दैट इज डॉग. ओके, तो मतलब आपकी मेन प्रेफरेंस है कि आपका डॉग मतलब कि एक तो क्यूट वगैरह होना चाहिए. हाँ. दूसरा जैसे आपने बताया हस्की होगा तो लोगों को दिखेगा भाई डॉग है हमारे घर. तो एक क्वेश्चन बस लास्ट कि आपको रॉटवाइलर ब्रीड के बारे में पता है? रॉटवाइलर. ओके, तो आप लोगों की क्या प्रेफरेंस है उस ब्रीड के बारे में? मतलब उसका नाम सुनते पहला क्या दिमाग में आ रहा है? डर. डर. ओके, सेम क्वेश्चन आंसर. सेम. डर. बट ये बहुत अच्छा है क्योंकि जिसके पास होता है वो प्रोटेक्शन रहता है घर पे, कोई ऐसे आ नहीं सकता उनके घर पे, क्योंकि डर होएगा तो कोई भी ऐसे आ नहीं पाएगा. और बहुत ही ज्यादा वो अलर्ट और एक्टिव डॉग होता है वो. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास रॉटवाइलर है. आपके पास कोई डॉग है मैम? यस, वी हैव लैब्रा डॉग. ओके, लैब्रा डॉग. तो कब से आपके पास वो? लास्ट 10 मंथ्स. 10 मंथ्स. ठीक है. और उससे पहले भी आपके पास कोई डॉग था या फिर अभी? नहीं, उससे पहले कोई नहीं था. फर्स्ट टाइम हमने पेट रखा. अच्छा, तो आपने लैब्राडोर ही क्यों चूज करा कि वो रखे हम? बहुत फैमिलियर होते हैं, बहुत लविंग और केयरिंग होते हैं. बहुत बढ़िया. मैं क्योंकि मैं ये इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कि एक सर्वे कि लोगों को पता भी है, नॉलेज है ब्रीड्स के बारे में. मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, रॉटवाइलर है. जैसे रॉटवाइलर के बारे में आपको क्या लगता है मैम, कैसा डॉग होगा वो? थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का है. ठीक है, मालिक की भी रक्षा करता है. ठीक है, सिक्योरिटी. हाँ, यू कैन से कि गार्ड डॉग की ब्रीड कैटेगरी में है वो. यस ऑफ कोर्स. पता है मैम क्या है, ज्यादा लोगों की ये सोच है. अदरवाइज यू कैन डू दैट. यस, अदरवाइज वो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का होता है, लोग उससे डरते भी हैं. दैट इज अ मेन थिंग. ये मेन बात है कि मैम उससे लोग डरते हैं, पर कई लोगों ने ये सोच रखा है कि वो सिर्फ काटने के लिए ही है. मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और मेरा चैनल इसी चीज पे काम कर रहा है कि सिर्फ वो एग्रेसिव नहीं है. हमने तो अपने डॉग के लिए शॉपिंग भी की है, इनफैक्ट ये देखिए. अच्छा अच्छा अच्छा. उसके बिस्किट्स वगैरह, उसके चिकन बॉन्स वगैरह, एवरीथिंग. बस मैं यही मेरे चैनल का मेन टॉपिक यही है कि मतलब जो डॉग्स है ना, मतलब उनकी ब्रीड्स. अब रॉटवाइलर है जो 2014 में बैन कर दिया था. इंडिया में बैन कर दिया था, बट आप किसी ब्रीड को ना एक पर्टिकुलर डॉग से किसी ब्रीड को जज नहीं कर सकते. और मेन बात ये है कि जो ओनर होते हैं उनकी वजह से ही डॉग खराब होते हैं. इस बात को आप मानते हो, जिस तरीके से आप डॉग को रखोगे वो वैसा ही बनेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली. जैसे आप उसको अगर वेज फूड दोगे वो वेजिटेरियन बनेगा, अगर नॉन वेजिन दोगे तो वो नॉन वेजिटेरियन बनेगा. सही बात. और वो जस्ट लाइक योर फैमिली मेंबर. हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि हमने स्टार्टिंग से उसको जब वो 40 डेज का था तभी से रखा था अपने पास. ठीक है, तो दैट्स लाइक द फैमिली मेंबर ऑफ यू नो योर फैमिली. या यस यस.